है प्रदीप शौकीन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मंगोलपुरी विधानसभा, आम आदमी पार्टी से। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले पढ़ाई के साथ साथ मैं एक खेल कुश्ती में बहुत रुचि लेता था और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था मैं। उसमें राष्ट्रीय स्तर के मेरे पास कई पुरस्कार भी मैंने हासिल किए और उसके बाद मेरा 2014 में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सोच और विचारधारा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने के लिए जो उनका सपना था उसको साकार करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के इस मिशन के साथ जुड़ गया और अभी तक उसी प्रकार से 2014 से लेकर अब तक उसी तरीके से उसी जज्बे के साथ मैं आज भी आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित हूँ। केजरीवाल सर से मेरी मुलाकात पहली मीनाक्षी मर्डर केस में तिहाड़ जेल में 3 दिन बंद रहने के बाद जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसमें हम 28 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 28 लोगों में से उन अरविंद केजरीवाल जी ने सबको मिलने के लिए बुलाया था तिहाड़ जेल से छूटने के बाद। उनसे मेरी पहली मुलाकात वहाँ पर हुई थी और वहाँ मैंने उनको मीनाक्षी मर्डर केस के दौरान पुलिस ने कितनी बर्बरता से कितनी बलशाली पूर्वक हम लोगों को खदेड़ा था या हम लोगों को वहाँ से डरा धमका कर भगाया था वो सारी बातें मैंने उनसे खुलकर की। तब उन्होंने यही कहा था कि हमारे बीच में ये समस्याएं ये बाधाएं आती रहेंगी, इन्हीं बाधाओं को पार करके हमें एक दूसरे के प्रति जनता के प्रति जवाबदेही हमारी स्थापित करनी है। और मैं उसी दिन से उनके लिए इस संघर्ष में उनके साथ जुड़ गया और आज तक उसी रास्ते पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल जी के लिए आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद हमें संघर्ष का जो रास्ता दिखाया गया उसमें जनता के बीच जाकर जो दिल्ली सरकार ने बदलाव किए हैं, जो दिल्ली सरकार ने मुहिम चला रखी है उसको जनता के बीच में ले जाने का काम हमें सौंपा गया और उसको जनता के बीच में गली गली तक ले जाने के लिए मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां गया, वहां जनता की समस्याओं को सुना। चाहे किसी की पेंशन की समस्या है, चाहे किसी की राशन की समस्या है, चाहे किसी के आधार कार्ड की समस्या, पहचान पत्र की समस्या है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत जरूरत होती है, उन समस्याओं को बड़ी बारीकी से मैंने वहां पर देखा और उसको किस प्रकार दूर कराया जा सकता है वो मैंने दूर कराने की भरसक कोशिश की। कामयाबी भी मिली और जनता हमारे द्वारा किए हुए कामों से काफी खुश भी है और जनता को हर प्रकार की सुविधाएं हमारी तरफ से जो मिल सकती है देने की भरपूर कोशिश करेंगे। मंगोलपुरी विधानसभा में मैं 2.5 साल तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहा हूं और इस पद पर रहते हुए मैंने मंगोलपुरी की जनता के लिए, मंगोलपुरी की जनता की समस्याओं के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जागरूकता वाले जो हमने वहां पर चलाए। मेरे परिवार का पॉलिटिक्स में जाने के विषय पर शुरुआत में काफ़ी विरोधाभास था लेकिन जब बच्चों ने देखा कि एक अच्छी सोच के साथ और एक अच्छी विचारधारा के साथ हमारे पिताजी जो है लगे हुए हैं तो उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया कि भी एक अच्छी सोच और विचारधारा में जुड़ने के लिए हमें अपने पिताजी को इस संघर्ष में साथ देना पड़ेगा और उन्होंने भरपूर सहयोग भी किया। मेरी धर्मपत्नी का रोल भी इसमें बहुत अहम है, उन्होंने भी समय समय पर मुझे अच्छे विचार दिए, अच्छी बातें बताई और हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, इसमें इनका अहम रोल है। नमस्कार, मैं सीमा शौकीन मंगोलपुरी विधानसभा से। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पार्टी के लिए समर्पित हैं और अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं उनके लिए तो वो अपनी जान भी नछाएर कर सकते हैं, उनके लिए जो भी कहा जाए वो कम से कम। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। प्रदीप शौकीन, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समस्याएं आएंगी पर उनको दूर करके पार्टी का नाम आगे बढ़ाना। नमस्कार।